नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं बनाने जा रही लौकी के पकोड़े वाली कड़ी, जो खाने में बहुत टेस्टी बनती है। इसे आप चपाती के साथ, चावल के साथ, पूड़ी के साथ, जैसे चाहे खा सकते हैं। लौकी के पकोड़े वाली कड़ी बनाने के लिए मैंने एक बाउल बेसन लिया है, दो लौकी ली है मीडियम साइज की, और एक हरी मिर्च ली है। इनके हम कोफ्ते पकौड़े बनाएंगे। एक जग छाछ लिए, धनिया पत्ता लिए, राई लिए, अजवाइन लिए, काली मिर्च, हींग और दो हरी मिर्च ली है, एक तेज पत्ता लिया है और दो लाल सूखी मिर्च ली है। चार चम्मच मैंने बेसन लिया है और एक जग छाछ है और ऑयल चाहिए हमें। मसालों में लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और जीरा। मैंने गैस पे पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर देंगे। पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक हमारा पैन गर्म होता है, इसलिए हम घोल बना लेते हैं। एक भगोना लेंगे, उसके अंदर ये छाछ डाल देंगे। अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। कड़ी आप जितनी गाढ़ी रखना चाहते हैं उतना बेसन डालें। मैंने अभी 2.5 चम्मच बेसन डाला है। मिक्स कर देंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है, घोलना है इसे। इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से घोल लेंगे इसे। अभी बचा हुआ बेसन भी हम डाल देंगे। मैंने 4 चम्मच बेसन लिया था, 4 चम्मच ही मैंने पूरा यूज कर लिया है। देखिए, ये घोल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम पैन भी हमारा गर्म हो गया है, ऑयल डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे हम इसके अंदर। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब 2 चुटकी हींग डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे। जीरा डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। मसालेदानी में जो चम्मच आता है उसी का यूज कर रहे हैं हम। लाल मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च को। ये फटने का डर रहता है, इसलिए आप जब भी लाल मिर्च यूज करें तोड़ के डालें। राई डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। अजवाइन डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। हरी मिर्च जो मैंने बारीक काट ली है, एक हरी मिर्च जिसको बारीक काट लिया है वो डाल देंगे। हरी मिर्च को अच्छे से सिकने देंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर डाल देंगे 2 चम्मच। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए आप। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 2 चम्मच। मिक्स कर देंगे इसे। अच्छे से मिक्स करना है हमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने जो घोल बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके डाल लें घोल को। घोल डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे। हमें तब तक चलाना है जब तक इसके उबाल ना आ जाए। हमें तब तक चलाते रहना है। 1 गिलास पानी यूज कर रही हूं मैं। अगर आपकी छाछ खट्टी नहीं है तो आप पानी ना यूज करें। हमारी छाछ खट्टी है इसलिए मैं थोड़ा पानी यूज कर रही हूं। काली मिर्च भी इसके अंदर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च लिया मैंने। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक उबाल नहीं आ जाता। हमें उबाल आने तक कड़ी को पकाना है। ये कड़ी खाने में बहुत टेस्टी होती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कड़ी के है जो उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसको 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। जब तक हमारी कड़ी पकती है तब तक हम
पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। एक लौकी मैंने कद्दूकस कर ली है, अब हम दूसरी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को मैंने अच्छे से छील के धो लिया था, साफ कर लिया था। देखिए हमारी लौकी कद्दूकस हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे एक छोटा चम्मच। हरी मिर्च डाल देंगे एक से दो, आप जितना तीखा खाना खा चाहते हैं मिर्च डाल दें। मैंने एक मिर्च डाली है। बेसन डाल देंगे इसके अंदर, तीन चम्मच मैंने बेसन डाला है। लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच और नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है हमें। मिक्स कर देंगे अच्छे से। पानी नहीं डालना हमें इसके अंदर, पहले हम इसी के लौकी के पानी के साथ ही इसको मिक्स करेंगे। पानी यूज नहीं करा है मैंने बिल्कुल भी। अगर आपका घोल गाढ़ा रहता है लौकी बेसन डालने के बाद, फिर आप इसमें पानी यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज करना हमें। अभी हमारा पतला है बैटर, थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे। देखिए मिक्स कर देंगे। मैंने ये 6 चम्मच बेसन लिया था, मैं पूरा यूज कर लूंगी इसके अंदर। लौकी के पकोड़े काफी टेस्टी बनते हैं, कढ़ी के अंदर काफी टेस्टी लगते हैं। मैंने 6 चम्मच पूरा बेसन यूज कर लिया है। मिक्स कर देंगे अच्छे से। मैंने तेल गरम करना रख दिया है फ्रेंड्स, तेल भी हमारा गरम होने वाला है। देखिए ये घोल हमारा तैयार हो चुका है। देखिए घोल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम पकोड़े तलेंगे। थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे तेल के अंदर हमारा बैटर तेल गर्म हुआ है या नहीं। देखिए हमारा ऑयल गर्म है। अब हम पकोड़े तलेंगे। देखिए जो हमने बैटर डाला था वो ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर पकोड़े तलेंगे। पकोड़े छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज के पकोड़े बना रही हूँ, ना तो छोटे हैं ज्यादा ना ही बड़े। हमारी कढ़ाई में एक बार जितने पकोड़े आ जाएं हमें उतने ही डालने हैं। देखिए इस तरह से हमें जितने पकोड़े एक बार में आ जाए हमें उतने ही पकोड़े इसके अंदर डालने हैं। ज्यादा पकोड़े नहीं डालने, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे और अच्छे से तल नहीं पाएंगे। तेल गर्म होने पे हमें गैस का फ्लेम लो करना है, एकदम लो नहीं करना, मीडियम रखना है। पूरा लो नहीं करना हमें, मीडियम रखना है। धीरे धीरे पकौड़ों को तलेंगे, ये तो ठंडा हो जाएगा हमारा तेल, तो पकोड़े अच्छे से तल नहीं पाएंगे और ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये पकोड़े काफी सॉफ्ट बनते हैं और काफी टेस्टी बनते हैं। देखिए हमें पकोड़ों को हल्के ब्राउन होने तक तलना है। हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम इनको। जो पकोड़े तल चुके हैं उनको पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे पकोड़े जो है वो तल चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इनको हम अलग प्लेट में निकाल देंगे, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें पकोड़ों को अलग प्लेट में निकाल देना है। ऐसे ही हम सारे पकोड़े तल लेंगे। इसी तरह हमें सारे पकोड़े तल लेने हैं। आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, ये कढ़ी काफी टेस्टी बनती है।
आपको और आपकी फैमिली को काफी पसंद आएगी। इसे आप चावल के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाले पकोड़े भी हमारे तल चुके हैं, इनको भी हम अलग निकाल देंगे। प्लेट के अंदर निकाल देंगे हम इन्हें। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं उबल उबल के हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हम इसके अंदर पकोड़े डाल देंगे और इसको एक उबाला आने तक पका लेंगे। वैसे तो उबाला आ रहा है, एक मिनट तक पका लेंगे, ज्यादा नहीं पकाना, हमें सिर्फ एक मिनट तक ही पकाना है क्योंकि हमारे पकोड़े काफी सॉफ्ट हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने उबाल आ चुका है हमारी कढ़ी की, आप देख सकते हैं। अब हम इसे इसमें धनिया पत्ता डालेंगे, ये धनिया पत्ता लिया था मैंने, वो डाल दूंगी इसके अंदर। धनिया पत्ते से कढ़ी की में काफी अच्छी खुशबू आती है। देखिए, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब हम कढ़ी के तड़का लगाएंगे, तड़के से काफी कढ़ी टेस्टी और अच्छी लगती है। पैन रख दिया मैंने गैस पे, गैस भी जला दी है। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक छोटा चम्मच ऑयल डाला मैंने। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, दो एक चुटकी हींग डाल देंगे, एक सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें राई डाल देंगे, थोड़ी सी राई डालनी है, आधा चम्मच। और थोड़ी सी, आधा चम्मच हम लाल मिर्ची डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ी सी डालेंगे बिल्कुल। और इसमें कढ़ी में हम छोंक लगा देंगे, देखिए इस तरह से। इसे काफी अच्छी खुशबू आती है और ये काफी सुंदर दिखती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी काफी अच्छी बनी है, काफी टेस्टी बनी है। आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए, अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।